दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसे लीडर से मिलाने जा रहा हूं जो मेरे फेवरेट लीडर हैं। जी हां, इनकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव हुए और आज ये कामयाब लीडर हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह निराश और हताश हो चुका था। हताशा व निराशा से घिरे हुए इस व्यक्ति को अपने जीवन में उम्मीद की कोई भी किरण नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि इस व्यक्ति पर 45 लाख रुपए कर्ज का भारी बोझ जो था, जिस वजह से उसकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी कि वो बच्चों की स्कूल की फीस तक नहीं दे पा रहा था। यहाँ तक कि परिवार का भरण पोषण करना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वो अपने जीवन के संघर्ष में हार चुका था। उसे अपना जीवन बोझ सा लगने लगा था। वो अपने जीवन से इतना हताश व निराश हो चुका था कि उसमें जीने की चाह पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से उसने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठाने की भी सोच ली थी। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक ऐसे व्यक्ति ने प्रवेश किया जिसने उसे जीवन जीने की एक नई दिशा प्रदान की, उसी अंधेरे से बाहर निकाल कर रोशनी का पथ दर्शाया। जी हाँ, ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि महागुरु के नाम से मशहूर विश्व विख्यात मानव प्रशिक्षक व प्रेरक सूर्या सिन्हा हैं, जिन्होंने इन्हें फॉरएवर बिजनेस से जुड़ने की सलाह दी। और आज वो व्यक्ति जो कभी निराश और असफल हुआ करता था, अब एक सफल व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कियासुद्दीन अहमद की, जो आज फॉरएवर बिजनेस में सफलता की बुलंदियों को छू रहे हैं, शानदार तरीके से देश विदेशों में भ्रमण कर रहे हैं, अपने परिवार को हर तरह की खुशियाँ व सुख प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दूसरों की जिंदगियाँ संवारने में भी वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं कियासुद्दीन अहमद जी से। ये लीडर कोई और नहीं, कियासुद्दीन अहमद जी हैं। कियासुद्दीन अहमद जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू सर। आज मैं ये चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप फॉरएवर में कैसे आए और इसमें आने का कारण क्या रहा आपका। सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। फॉरएवर आने से पहले मैंने काफ़ी सारा कंपनी में काम किया। मैं थक चुका था और इतना कर्जा था, इतना दर्दनाक कहानी था, जब मैं सुसाइड करने वाला था, लगभग 45 लाख प्लस मेरा कर्जा था। मैं क्या करूं? उस समय आपका साथ फेद हुआ बाय टेलीफोन। आपने मेरे को दिल्ली बुला लिया, जब आप आ जाइए इतना परेशान है। तो मैंने आपका एक प्रोग्राम देखने का मौका मिला और प्रोग्राम में मैंने बहुत सारा चीज़ देखा। लगा जे आपका साथ अगर मैं रहूं, मेरा जीवन कामयाब बन सकते हैं। उसी दौरान आपने मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल के बारे में कहा और मैंने आपके कहने पर विश्वास कर लिया और मैंने आपसे एक वादा भी किया, सर मैं आपका कभी जीवन में थूका नहीं देंगे, आपका साथ काम करेंगे, लेकिन आप अगर अपलाइन बनेंगे तो नहीं, तो मैं किसी का साथ जुड़ेंगे नहीं। आप ऐसा किया, आप मेरा बात रखा और इसी हिसाब से मेरा फॉरएवर शुरुआत हुआ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कियासुद्दीन जी। आप जब आप मेरे से मिले थे, आपने मुझे कहा था कि आपके ऊपर 45 लाख का कर्ज है। ये सर, उस कर्ज को कैसे चुकाएंगे? आपने मुझसे ये भी कहा था कि आपका मकान गिरवी रखा हुआ है। ये सर, आपने मुझसे ये भी कहा था कि आपके बच्चों की फीस आप जमा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बुरा हालत था मेरा, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत खराब थी। हाँ सर, मुझे आज तक ये भी याद है कियासुद्दीन जी। हाँ सर, जब आप दिल्ली मैंने आपको बुलाया था, तब आपने मेरे से ये कहा था कि आपके पास किराया नहीं है। नहीं सर, एक दोस्त ने मेरे को लेके गया था। हाँ, मैं जर्नल बुगी में गया था। अच्छा, अब ये बताइए, अब आपने फॉरएवर जो शुरुआत किया। हाँ सर, अब फॉरएवर में आने के बाद आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आया? सर, फॉरएवर जब शुरुआत किया था, मेरे पास बहुत बड़ा चैलेंज आया। स्टार्टिंग की अगर बात करूँ, असम में कोई भी व्यक्ति सुनने के लिए राजी नहीं था। प्रोडक्ट महंगा है, इस तरह से मेरे को कहा, आप ये कंपनी में फंस जाएंगे। पहले तो आपने बहुत कर लिया, क्या होगा, ये हर कंपनी ऐसा ही आते हैं। मेरा उस समय आपका एक बात ध्यान में आया, आपने कहा था लोग आपको कुछ भी कहेगा, लेकिन इस तरह से शुरुआत में हर आदमी जब सफल नहीं रहते, हर आदमी ऐसा ही बोलते हैं, लेकिन आपका बात का अनुसार मैंने विश्वास कर लिया आपका बात, जो दुनिया कुछ भी का है, लेकिन इतना दर्दनाक हालात में
आपने मेरे को कहा मैं आपका साथ हूँ, ये बात मेरे को रख दिया और आपका कहने पर मैं फॉरवर्ड शुरुआत किया, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी नहीं देखा और करता गया और असम का लोग सुना नहीं लेकिन बंगाल का लोग मेरे को सुना और सिलीगुड़ी बागडोगरा में मेरा फॉरवर शुरुआत हुआ। 115 नंबर आदमी, 114 नंबर तक मेरे को असफल रहा, मैं किसी को ज्वाइन करा नहीं पाया सर। हाँ, मुझे बताया था। हाँ, और 14 लोगों ने आपको ना कहा। इसके बाद 115 आदमी ने मेरे को हाँ कहा, एक आदमी मेरे को साइन अप किया और इसके बाद 89 डेज के अंदर मैंने मैनेजर बना और इसी हिसाब से मैंने मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर, टीम बढ़ता गया, मैं सबका साथ मिलजुल करके काम किया। बहुत सारा कठिनाई आई लेकिन मैंने सर घबराया नहीं, आपका कहने पर मैंने टिका रहा इसमें क्योंकि मेरा आगे पीछे कुछ नहीं था। मैं जानता हूँ क्योंकि मैं अगर फॉरएवर नहीं करूँ तो क्या करूँ, ये 45 लाख का कर्जा है, ये कर्जा में अगर नौकरी करूँ तो मेरा नहीं हो सकता, कोई प्राइवेट में जाऊँ जॉब तो नहीं मिलेगा। तो मेरा एक ही मानना था जो कुछ भी करना है तो कुछ भी हो जाए मैं फॉरएवर में कामयाब बनूंगा और आपने मेरे को ये दिखा दिया था जो फॉरएवर में करोड़ कमा सकते हैं। मेरा 50 लाख कर्जा था लेकिन मैंने फॉरएवर करने के बाद अगर करोड़ मिलता है ये विश्वास हो गया था मेरा और विश्वास के साथ मैंने लगा। आज देखते देखते फॉरएवर में सर क्या बताऊँ, बोल के आज बहुत खुशी भी लग रहा है क्योंकि मेरा पास आज सब कुछ है। आज 45 लाख का कर्जा बिल्कुल नहीं है, मेरा पास आज लग्जरी कार है, मेरा पास एक नहीं चार चार कार है। बहुत बढ़िया। और अच्छा अच्छा घर है, मैं गांव में जो जिस गांव में रहता हूं बहुत खूबसूरत घर बना लिया और रिसेंटली मैंने गुवाहाटी में 1 करोड़ का एक फ्लैट भी लिया सर। क्या बात है, ये फॉरएवर का वरप्पन है। और मैं काफ़ी देश विदेश भी घूमा, आपके साथ भी मैंने दुबई गया, साउथ अफ्रीका गया, इसके बाद स्वीडन गया और मैंने अबू धाबी भी गया, साउथ अफ्रीका गया। जॉन्सबर्ग में जाने के बाद खूब सारा मस्ती किया, मज़ा आ रहा है सर। और कई सारा 2013 से लेकर अभी तक मैनेजर रिट्रीट आपका साथ ही हो रहा है, नेशनल टूर हो रहा है मेरा और अच्छा शहद हो रहा है मेरा, अच्छा मेरा बच्चा बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। क्या बताऊँ सर, फॉरएवर मेरे को रियल बात कहूँ तो मेरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा आप ये बताइए, हाँ, जब आपने फॉरएवर शुरू किया था उस समय आपके असम में ऑफिस भी नहीं था कंपनी का? ना, बिल्कुल नहीं था सर। प्रोडक्ट लेने के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता था, शिलोंग जाना पड़ता था। शिलोंग में जाना गया था और मेरे को याद है रात रात में पटना तक गया, एक टूथपेस्ट भी लगता है तो शिलोंग और पटना से लाना पड़ता, लोग मेरे को मजाक उड़ाते थे, आप पागल है क्या, ये इतना दूर से आप सामान लेके ये बिजनेस कर रहे हैं, कब होगा आपका जीवन में, ये सब नहीं चलेगा, ऐसा बोला था मेरे को। सही कह रहे हैं। अच्छा, जो लोग आपको कहते थे नहीं चलेगा, हाँ, आप कामयाब नहीं होंगे, वो अब क्या कह रहे हैं? अभी उन लोग बोल रहा है आप बहुत मेहनती है। अभी बहुत सारा लोग माफी मांग के भी आया है जे सर हम लोग गलत सोचा था, क्योंकि लीडर्स लीड्स बाय एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल क्रिएट किया और उन लोग आ गया और बहुत लोग इस तरह से भी मिला जो आपकी तरह आप कर सकते हैं, आप स्मार्ट हो, आप इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों से शायद नहीं होगा, ऐसा भी बोलते हैं लोग। और पहले बोलते थे कि आप नहीं कर पाओगे। हाँ, नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी बोलते हैं आप कर सकते हैं, आपका बस की बात है, हम लोग का नहीं है, इस तरह से भी बोला। अच्छा ये बताइए, जो आपको बहुत तेजी से सफलता मिली, हाँ सर, क्या सफलता आसानी से मिलती चली गई? नहीं सर, आसानी से नहीं मिला, बहुत उतर चढ़ाव हुआ। मेरा बिजनेस 2013 में बहुत गिर चुका था, प्रोडक्ट नहीं था क्योंकि प्रोडक्ट का कुछ FSSAI का एक नियम लागू हुआ इंडिया में, उस समय बिल्कुल जीरो का कगार पे था बिजनेस, दोबारा खड़ा किया मैंने। जो जीरो पे जब आ गया आपका बिजनेस, हाँ, दोबारा खड़ा कैसे किया आपने? हाँ सर, दोबारा इसके पीछे सर एक लॉजिक भी था, इतना जीरो नहीं था। जब सफलता मेरा मिला, मेरा बीच में थोड़ा सा अहंकार आ गया। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैंने अहंकार आ गया, मैंने सोचा कि मैं तो शेर बन गया है यार, कुछ किसी का हेल्प नहीं चाहिए, मैं पुराना बात को भूल चुका था। पुरानी कौन सी बात भूले थे? हाँ एक्चुअली आपका बात मैं भूल चुका था। क्या? हाँ, आपने जो कहा था आपका बात मानना छोड़ दिया, मतलब यार सूर्य सिन्हा जी क्या करेगा, मैं तो सब कुछ हूँ, मैं खुद अकेला कर लेंगे। जब गिर गया एक साल बाद मैंने आपको दोबारा बोला, सर मेरे को माफ़ कर दीजिए क्योंकि मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया,
ये मेरे से नहीं होगा, आप मेरा साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि इसमें विदाउट अपलाइन ये बिजनेस नहीं चल सकते, मेरा समझ में आ गया। जब दोबारा आपने आया इसी सिलसिले में 2014 में मैं बहुत बुरी, जो जितना तेजी से गिरा था उतना तेजी से उठ भी गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपका बिजनेस स्टेबल है? हाँ सर, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है अभी। अब जो अच्छा बिजनेस चल रहा है इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण सर एक ही है, मैं हमेशा अपलाइन का बात सुनता हूँ। अपलाइन मतलब? हाँ अपलाइन मतलब सर मैं आपका बात सुनता हूँ। अच्छा। आप जो कहते हैं मैं इसी हिसाब से सुना, क्योंकि इसके पीछे एक ही लॉजिक है। नेटवर्क बिजनेस में वही व्यक्ति सफल हो सकता है। इसमें दो चीज है, एक है प्लेटफॉर्म, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ यह कंपनी बहुत अच्छा होना चाहिए। इसमें फॉरएवर में कर रहा हूँ, इसमें कोई शौक नहीं है, दुनिया का बेहतरीन कंपनी है और मैं गर्व से बोल सकता हूँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कामयाब होने के लिए एक अच्छा अपलाइन चाहिए। मैं आपको आदर्श मानता हूँ सर, क्योंकि दुनिया का बेहतरीन अपलाइन मेरे को मिला है, मैं फ़ख्र कर सकता हूँ, क्योंकि इंडिया में ऐसा आपकी तरह अपलाइन है ही नहीं, मेरा नज़र में नहीं है, जिस कारण से मैं कामयाब बना हूँ। अच्छा ये बताइए मुझे, आप आपका बुरा वक्त चल रहा था, 45 लाख का कर्ज था, घर गिरवी रखा हुआ था, बच्चों के स्कूल की फीस आप जमा नहीं कर पा रहे थे, सही है सर, तो उस समय आपके दिन कैसे बीत रहे थे? सर क्या बताऊं, उस समय की अगर बात करें, मैं जब शुरुआत की फॉरएवर उस समय मेरा पैसा नहीं था, लोगों को मैं जब बोलता था लोग मेरे को मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि मेरा घर वाला नेगेटिव देते थे, से आप तो हर कंपनी में जाते हैं, कहीं पे कामयाब तो मिलता नहीं है, जो घर का पैसा है वही खर्चा करके आप दोबारा लौट के घर पे आ जाते हैं, ये कंपनी में मत काम करो, हम लोग का विश्वास नहीं है, आप दूसरा काम में करो, इस तरह से घर का आदमी बोला था। मेरे साथ कोई नहीं था, आपके बिना एक ही शख्स था जब मैं आपका साथ हूँ और कोई नहीं था, दोस्त भाग जाता था, मैं किसी को अगर बोलता था शायद मेरे को कोई पैसा देना पड़े, इसीलिए मेरे से थोड़ा सा कटिंग करके दूसरा जगह में चला जाता, दूर हो जाता, रिश्ता रखना नहीं चाहता। मेरा साथ ऐसा कहीं नहीं हुआ और मैंने फॉरएवर रो रो के शुरू किया, मैंने कभी कभी खाना भी नहीं खाया, स्टेशन प्लेटफॉर्म में मैंने एलोवेरा जेल का डब्बा इस तरह से माथा में लेके, कार्टन माथा में लेके, ठंडी के हवा चल रहा था उसी समय मैंने रात कटाया, एक रोटी खा के मैंने पूरा रात भर ऐसे था, जनरल बोगी में गया था मैंने और जहाँ पे नहीं जाना चाहिए इसी में भी गया, घर घर गया, मैंने बहुत सारा मेहनत करना पड़ा सर, क्योंकि मैंने मेहनत इसीलिए किया क्योंकि मेरा फॉरएवर छोड़ के यार कहीं दिखाई नहीं दिया, मैं वन साइडेड हो गया, कुछ भी हो जाए मेरा जीवन में मैं फॉरएवर में ही कामयाब बनूंगा। बहुत बढ़िया, यही मेरा सोच था और आज भी मैं वही सोच लेके काम कर रहा हूँ। आज आपको फॉरएवर का भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है? सर फॉरएवर का भविष्य क्या बताऊं, मेरा जो 14th generation जो 14 पुरुष से जो आ रहा है, मेरे तो ऐसा लगा कि फॉरएवर करके मैं लोग कहते हैं दुनिया छोड़ने के बाद जन्नत मिलेगा इस तरह से बोलते हैं ना, मेरे को ऐसा लग रहा है फॉरएवर एक्चुअली ऐसा एक कंपनी है, इतना एक खूबसूरत कंपनी है, मैं शब्द में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसका प्रोडक्ट की बात करें, सिस्टम की बात करें, खूबसूरत है सर। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर 5 साल सही ढंग से काम कर लिया, इसका भविष्य 100% उजाला है और मेरा जो फॉरएवर का जो नज़र आ रहा है, मैं मरते दम तक मैं फॉरएवर करता रहूँगा और मेरा विश्वास हो गया, कितना हज़ार आदमी मेरा हाथों से कामयाब बनेगा मैं अंदाज़ा नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को बहुत खुशी लग रहा है क्योंकि आज मेरा 60,000 से ज़्यादा टीम है, मेरे को क्या मिला वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा टीम में आज खुशी देख रहा हूँ, देश विदेश का टूर कर रहा है, लोग गाड़ी में घूम रहा है, किसी का कर्जा था कर्जा मेरा तरह चुका रहा है और बच्चा स्कूल में अच्छा से पढ़ाई कर रहा है, अच्छा सेहतमंद है, मेरा टीम के साथ एक अच्छा समाज निर्माण कर पा रहा हूँ, ये मेरा बहुत खुशी है सर। बहुत बढ़िया, बहुत ये भविष्य नज़र आ रहा है आने वाला दिन में मेरा ग्रुप में, मैं शब्द में व्यक्त नहीं कर पा रहा कितना करोड़पति निकलने वाला है सर। अच्छा। यस सर, मतलब अब आपकी टीम में लोग पैसा कमा रहे हैं? बहुत पैसा कमा रहा है सर, हो रहे हैं, स्टेब्लिश हो गया है, आप अपने आप को इस वक्त अच्छी जगह पे पा रहे हैं? 100% सर। बहुत बढ़िया, अभी आपने बताया
ये चार चार गाड़ियां हैं। हाँ सर, सर आपने बहुत खूबसूरत बना लिया है। हाँ सर, एक आपने फ्लैट गुवाहाटी में खरीदा है। हाँ हाँ सर, मैंने देखा उस फ्लैट को भी। ग्यासुद्दीन जी। हाँ सर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा। जैसे आप काम कर रहे थे फॉरएवर में, जब आप काम कर रहे थे तो जरूर परेशानियां आ रही थी बहुत सी। बिल्कुल सर, चुनौतियां भी आ रही थी। हाँ सर, आपकी टीम में बहुत से ऐसी बातें हो रही होंगी जैसे टीम टूट भी रही होगी। यस सर। हाँ, तो उस समय जब आपके से कोई परेशानी आ रही थी, कोई चुनौती आ रही थी, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? हाँ, उस वक्त सर मैं थोड़ा सा हताश हो जाता हूँ। लगता है जब मैं क्या करूँ अभी, जब दुविधा में पड़ जाता हूँ, जब सारा तरफ कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, उस समय जब मुसीबत आ जाते हैं मैं आपको फ़ोन कर लेता हूँ और आप ऐसा सोल्यूशन देते हैं तो दोबारा मैं जहाँ पर गिरा था उठ के खड़ा हो जाता और काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। वो प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्यूशन हो जाते हैं सर। आपका कहने का मतलब कि आपको मोटिवेशन मिल जाता है? हाँ, मोटिवेशन मिल जाता है बहुत सारा। और क्या समाधान भी मेरी बातों से मिला? 100% समाधान मिलता है सर, मिलता। अच्छा, है ये जो बताइए, जैसे कि आप परेशानी के टाइम पे मुझे फ़ोन करते थे, मुझे याद सर, है आप कई दफ़े फ़ोन करते थे कि सर मैं क्या करूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना? तो उस वक्त मैं बोलता था आप ऐसे ऐसे करिए। तो क्या आपकी टीम भी अपनी परेशानियों में आपको फ़ोन करती है? हाँ सर, ऐसा नहीं करते हैं बिल्कुल, क्योंकि मुझे फ़ोन करना पड़ता है। टीम नहीं करते? नहीं करते हैं सर। ऐसा क्यों? पता नहीं सर, मुझ में कमी होगा शायद। जिस तरह सा मैंने आपको फ़ोन किया, मैं अपलाइन को वैल्यू समझा, लेकिन मैं खुद फ़ोन करता हूँ। फ़ोन करने के बाद उन लोग मेरे को जवाब देते हैं ये परेशानी हो रहा है, बोले पहले क्यों फ़ोन नहीं किया, और ऐसा बोलते हैं सर आप डिस्टर्ब करेंगे, थोड़ा सा शर्मा जाते हैं, कभी घबरा भी जाते हैं। हाँ, इसी हिसाब से मैं ही फ़ोन कर लेता हूँ मैक्सिमम। ऐसा भी नहीं है, दो चार व्यक्ति कर लेते हैं कभी, लेकिन मैक्सिमम फ़ोन नहीं करते हैं सर। नहीं करते? नहीं करते, जबकि उन्हें फ़ोन करना चाहिए। करना चाहिए, अगर वो फ़ोन करते हैं आपको तो उनको सोल्यूशन मिल सकते हैं आपसे। सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब से आप फॉरएवर कर रहे हैं, हाँ सर, करते करते बीच में टीम आपकी बड़ी, हाँ सर, बढ़ने के बाद बहुत से लोग आपकी टीम को छोड़ के गए भी। हाँ गया सर। गए ना, जब वो गए तो उस वक्त आपको कैसा लगा? हाँ सर, उस वक्त मुझे, मैंने खुद सेल्फ एनालिसिस किया मैंने। हाँ। एनालिसिस करने के बाद मुझे लगा मेरा कहीं गलती है। अच्छा। तो जब मैंने ये गलती सुधार लिया और उन लोगों को जो मेरा गलती है, मैंने उन लोगों का पास गया, जाने के बाद उन लोगों को बोला जो मेरा ये गलती हुआ जिस कारण से आपको दुख मिला, आप दूसरा कंपनी में जा रहा है, इसमें आपको कुछ मिलेगा नहीं। मैं बहुत सारा लोगों को ऐसा बोल के मेरा दोबारा लेके आया, लेके आया सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ऐसा बहुत सारा आदमी है जहाँ पर मेरा गलती नहीं है, उनका गलती है, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं मैं कुछ करके दिखाएंगे। मैं उनको सर कुछ ऑयलिंग नहीं किया, मैं सोचा ठीक है मैं चाहता हूँ आप कामयाब बन जाए दूसरा कंपनी में जाके, लेकिन मेरे शोर के, ये फॉरएवर शोर के जो कंपनी में, दूसरा कंपनी में काम कर रहे हैं, ये 7 इयर्स में बहुत सारा आदमी गया सर, लेकिन मेरा नज़र में एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जो दूसरा कंपनी में जाके कामयाब बना हो, कोई भी नहीं बना अभी तक। सही कह रहे हैं आप, ये बात मैंने भी नोट किया है। 7.5 साल से मैं भी कर रहा हूँ फॉरएवर को, और जो जो छोड़ के गए हैं दूसरी कंपनी में, आज तक हमने उन्हें किसी को कामयाब होते देखा नहीं। कुछ नहीं है सर, जीरो हो गया। जीरो हो गए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये बताइए आप मुझे, हाँ सर, अभी आपको फॉरएवर का भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है? सर फॉरएवर का जो भविष्य है बहुत ब्राइट देख रहा हूँ सर। अच्छा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा टीम दुनिया में कुछ कर जाएगा सर। क्या बात कर रहे हैं, रियल में, इंडिया में नहीं, पूरा दुनिया में शायद, माने चारों तरफ भर जाएगा, बहुत कुछ खूबसूरती लाएगा। आपको लग रहा है? लग रहा है सर। ऐसा कैसे लग रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? हाँ, इसके पीछे कारण यही है क्योंकि हम लोग यूनिटी बन के काम कर रहा हूँ। यूनिटी बन के सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, विनरस्टेक का जो एजुकेशन सिस्टम है सर, दुनिया का नंबर वन है। लगता है? लगता है सर, विनरस्टेक परिवार का। हाँ, 100% लगता है सर, जिस कारण से पहले कुछ भी नहीं था फॉरएवर, तो दूसरा व्यक्ति भी तो कर रहा है सर। जब मैंने साइन अप किया, मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था उस समय का, कोई व्यक्ति सॉरिंग मैनेजर था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आज मैं सेफर बन गया, उन लोग सोरिंग में ही है। सोरिंग में ही है। क्या बताओ। तो इसीलिए उन लोग भी तो फॉरएवर कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, दोनों में फर्क है, क्योंकि मेरा दो सिस्टम है। फॉरएवर का सिस्टम तो है ही है,
नेट इंडिया ये सब जो फॉरएवर का है, नेट इंडिया ट्रेनिंग फॉरएवर का जो एजुकेशन सिस्टम तो है ही, लेकिन साथ में विनर्स टेक का एजुकेशन सिस्टम मेरा साथ जब आया, मेरा सफलता सर डबल ट्रिपल होते जा रहा है। इसीलिए मेरा भविष्य नज़र आ रहा है फॉरएवर में, दुनिया में नंबर वन बनने में कोई रुक नहीं सकता है मेरा टीम को। जो फॉरएवर का जो एजुकेशन सिस्टम है, हाँ सर, इस एजुकेशन सिस्टम में किस तरह का एजुकेशन सिस्टम लग रहा है आपको, क्या क्या फ़ायदा हो रहा है आपको इसमें? फॉरएवर का एजुकेशन सिस्टम से सर प्रोडक्ट नॉलेज मिल रहा है, और फॉरएवर का एजुकेशन सिस्टम से जो मार्केटिंग प्लान का नॉलेज मिल रहा है, नया आदमी को कैसे डेवलप करना है ये भी मिल रहा है, जो नेट इंडिया ट्रेनिंग में जो मैं भी एक नेट कोर हूँ, अब ये सिस्टम बहुत अच्छा से सहाय कर रहा है सर, हेल्प कर रहा है। विनेश टेक परिवार का एजुकेशन सिस्टम, और विनेश टेक परिवार का जो एजुकेशन सिस्टम है ये रियल लाइफ एजुकेशन सिस्टम है, जो इसमें टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, लोगों का साथ कैसे व्यवहार करना है, ये सब सर जो किताबों में मिलता नहीं है, मेडिटेशन, एक क्या बोले इसको, अगर लाइफ चेंजिंग कह सकते हैं और मैन मेकिंग इंडस्ट्री कह सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम लोगों को मेकिंग करते हैं, रियल लाइफ एजुकेशन सिस्टम है सर। विनेश टेक परिवार खुश है? विनेश टेक, मैं बहुत खुश हूँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत खुश हूँ। क्यास जी, हाँ सर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कामयाब होने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब यहाँ पर जो आप फॉरएवर कर रहे हैं, इस फॉरएवर का एजुकेशन सिस्टम आपकी सफलता में कैसी भूमिका निभा रहा है? हाँ सर, फॉरएवर का जो एजुकेशन सिस्टम रियल में बहुत सफलता का पीछे बहुत भूमिका निभा रहा है। इसी में जिस तरह से प्रोडक्ट का जानकारी फॉरएवर एजुकेशन सिस्टम में ही है, कोई नया व्यक्ति को साइन अप करना, क्या क्या बोलना, नया व्यक्ति को कैसे डेवलप किया जाए, फॉरएवर करने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, क्या सिस्टम, सारे कुछ फॉरएवर सिस्टम में ही है, में है। और पैसा कैसे कमाया जाए, मार्केटिंग प्लान का एजुकेशन सिस्टम सब कुछ इसमें है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ये है कि आपकी सफलता में फॉरएवर का जो एजुकेशन सिस्टम है, कंपनी ने जो बनाया है, हाँ सर, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाँ, निभा रहा है सर। इसके साथ साथ और एक एजुकेशन सिस्टम है जो विनेश टेक परिवार का एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पे विनेश टेक परिवार के एजुकेशन सिस्टम में और फॉरएवर के एजुकेशन सिस्टम में क्या फर्क नजर आ रहा है? मेरे को बहुत फर्क नजर आ रहा है सर, क्योंकि फॉरएवर का एजुकेशन सिस्टम में तो बिजनेस कैसे कर रहा हूँ, बिजनेस का सफलता कैसे मिलेगा ये सिखाया जाते हैं बेसिकली, और विनेश टेक एजुकेशन सिस्टम में एक अच्छा इंसान कैसे बने, क्या बात, ये सिखाया जाते हैं। इसका अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत चीज का जरूरी होता है, जिस तरह सा कम्युनिकेशन स्किल, लोग नया लोगों के साथ, लोगों का साथ कैसे व्यवहार करना, टाइम मैनेजमेंट स्किल, ये हर तरीका का बात सिखाया जाते हैं, लोगों को निर्माण कर देते हैं, हौसला बुलंद करते हैं लोगों को, कोई डिमोटिवेट होता नहीं है, यूनिटी बनाए रखते हैं, ये एजुकेशन सिस्टम में ये पावर है सर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो बात ही अलग है सर, क्योंकि ऐसा ऐसा लोग भी है विनेश टेक एजुकेशन सिस्टम में, पहले धोती पैजामे में था, आज कोट पेन सूटेड बूटेड है, लगता है जैसे ये विनेश टेक कर जा रहा है, ऐसा खूबसूरती लाते हैं, एक जिस तरह सा शादी वगैरह में जो साजा आ जाता है ना, दूल्हा दुल्हनी को इस तरह सा साजा आ जाता है एक इंसान को, ये एजुकेशन सिस्टम है विनेश टेक परिवार, रियल में सर। राइट राइट राइट, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। विनेश टेक परिवार का एजुकेशन सिस्टम ये प्रयास करता है अपने हर एक परिवार के सदस्यों को डेवलप करे, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करे, उसको इस तरह से बना दे कि वो समाज का मुकाबला कर सके, यस सर, जिंदगी की हर लड़ाई को लड़ सके, लड़ सके सर, 100% पावर, पावर सर, उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करता है। हाँ हाँ, करता है सर। आपके अंदर ये सब बदलाव आया है क्या? 100% आया सर। पहले मैं दो लोगों का साथ बात करने में घबरा जाते हैं, टाई पहनने में शर्म आते थे मेरा का, मैंने पर्सनैलिटी के बारे में यार बात करूँ तो बहुत बदतर हालत में था, लेकिन जब से मैं विनेश टेक एजुकेशन सिस्टम लेना शुरू किया, आज मैं पूरा हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों भी आदमी आएगा तो मेरा सामने कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत आसानी से बात कर लेता हूँ, हर किसी से मैं बात करने में कोई हर्ज नहीं है मेरा, मैं कर सकता हूँ, ये हिम्मत आ गया है सर। ये फॉरएवर ने, फॉरएवर करते हुए जो विनेश टेक एजुकेशन सिस्टम है ये मेरे को सिखाया है विनेश टेक एजुकेशन सिस्टम। विनेश टेक एजुकेशन सिस्टम जो है विनेश टेक परिवार का, हाँ सर, क्या ये बिजनेस करना भी सिखा रहा है क्या? बिल्कुल सर, बिजनेस करना भी सिखाते हैं। कैसे? क्योंकि
एक अच्छा इंसान ही फॉरएवर कर सकते हैं, ये सिखाते हैं। ये बेहतरीन भूमिका निभा रहा है, क्योंकि अच्छा इंसान जब तक नहीं बनेगा फॉरएवर में नहीं टिक सकते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि गलत इंसान फॉरएवर नहीं कर सकते हैं। ये विनर्स तक परिवार पहले इंसान बनाना सिखाते हैं, अच्छा इंसान कैसे बनते हैं। जब अच्छा इंसान बन जाते हैं, अच्छा बिजनेस के साथ जब ताल्लुक हो जाते हैं, कामयाब बन जाते हैं। क्या बात, ये कॉम्बिनेशन है सर। बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ सर, आज आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ सर मैं, रियल में। अच्छा, आपका जो विनर्स टेक परिवार का एजुकेशन सिस्टम, क्या आप टीम में डुप्लीकेट कर रहे हैं? डुप्लीकेट कर रहा हूँ सर। कोई भी प्रोग्राम करता हूँ तो पूरा भर जाते हैं, विनर्स टेक भर जाते हैं। विनर्स टेक एक बात कहूँ तो सब एक ही बातों में चलता है सर, मैंने कोई काटता नहीं है। विनर्स टेक ही है सर। एक अलग निगाह से देखते हैं, ये विनर्स टेक परिवार का प्रोग्राम है। हलचल मच जाते हैं, जो कहूँ वही बात मान लेते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे यासुद्दीन अहमद जी से। जी हाँ, समय कम है, इसलिए हम इस बातचीत को जारी रखेंगे अगले एपिसोड तक। अगला एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि आगे लोगों को डेवलप करने के लिए यासुद्दीन जी क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इनकी लाइफस्टाइल, सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगले हफ्ते नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा और यासुद्दीन अहमद जी का सलाम।